उत्तर प्रदेश में पीएफआई को लेकर बैन करने की जो कवायदें हैं वो और ज्यादा तेज होती जा रही हैं। सीएए एनआरसी को लेकर जिन जगहों पर हिंसा हुई उन जगहों पर अब पीएफआई के जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको उनकी छानबीन हो रही है, दबिश उन ठिकानों पर दी जा रही है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो ठिकाने तलाशे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई पीएफआई को लेकर, योगी सरकार की ओर से इस कार्रवाई में तकरीबन 25 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है। इसमें एसटीएफ लगी हुई है, एटीएस लगी हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस लगी हुई है। उन ठिकानों पर दबिश दी जा रही है जहां पर शक की गुंजाइश भर भी है, तो वहां पर एटीएस और एसटीएफ के लोग पहुंच रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य और मोहसिन रजा क्या कुछ कहते हैं पीएफआई को लेकर, वो आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कोई भाजपा की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार का बैर नहीं है, लेकिन पीएफआई अगर देशद्रोही गतिविधियों का हिस्सा बनेगा और जो काम सिमी रूपी आतंकी गतिविधियों का हिस्सा रहने वाले संगठन के द्वारा चलाया जाता था, अगर वह काम पीएफआई द्वारा चलाया जाएगा तो उस पर तो कठोरतम कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। और जो सच सामने आ रहे हैं उस सच को ध्यान में रखते हुए ऐसे संगठनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को इस संबंध में जो सूचना है वो भेजी जा रही है और हम लोग इस प्रकार के संगठनों की किसी भी गतिविधि को उत्तर प्रदेश में या देश में स्वीकार नहीं कर सकते। जब सिमी बैन हुई थी तो उस विचारधारा के जो सोच के लोग थे उन्होंने ही इस पीएफआई को खड़ा किया और केरल में बनाई गई संस्था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली रखा गया, इसका एक कार्यालय दिल्ली में है और ये वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और हमारे बिहार सब जहां कैसे ये जा रही थी, कैसे ये काम कर रही थी, इसकी फंडिंग कौन कर रहा था। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं इनके खिलाफ कि ये सिमी के ही लोग हैं जिन्होंने इसको बनाया है और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही की तरह काम कर रही थी, क्योंकि कट्टरवाद की तरफ ले जा रही थी नौजवानों को और कट्टरवाद का जो अंतिम रूप होता है वो आतंकवाद होता है। इसलिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हम इनको बैन करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई है जिसकी शुरुआत केरल से हुई, 2006 में हुई और उसके बाद इसने देश भर के राज्यों में अपने पैर पसारना शुरू किया। अब उत्तर प्रदेश में जो हिंसा और हिंसा में पीएफआई के लोगों के नाम आए तो कार्यवाही भी हो रही है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर कार्यवाही, बैन करने की कार्यवाही, छापे पड़ रहे हैं। 2006 में इसका गठन हुआ था, रजिस्ट्रेशन 2010 में हुआ। दक्षिण भारत के राज्यों में काफ़ी सक्रिय है, केरल से शुरुआत हुई जैसा हमने आपको बताया, 13 राज्यों तक पीएफआई की पहुंच है। अब और राज्यों में भी पीएफआई ने अपने पैर जो है वो फंसाना शुरू किया। ये संगठन 6 महीने में यूपी में तेजी से पैर फैलाते हुए दिखाई दिया। सिमी यानी इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई बना और इसके कई लोग इसमें शामिल हुए, ये भी कहा गया। झारखंड में पिछले साल फरवरी में प्रतिबंधित किया गया है इस संगठन को, कोर्ट ने अगस्त में पीएफआई पर प्रतिबंध हटा दिया। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कट्टर इस्लामिक संगठन। उत्तर प्रदेश सेवक बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी पीएफआई को लेकर लगातार सक्रिय हैं, वो सबूत दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यह संगठन कितना खतरनाक है इस देश के लिए। उन्होंने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया है, आईएसआईएस से इस बात को बताया है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं तार, ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है। नेपाल का भी वो जिक्र कर रहे हैं, नेपाल के मदरसों में भी कुछ इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं, संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं, उन्हें बंद करना चाहिए। मदरसे बंद नहीं हुए तो भारत के मुसलमान आईएसआईएस की मानसिकता बदलनी, क्या कहा वसीम रिजवी ने, सुन लीजिए। पीएफआई जैसी बहुत से आस्तीन के सांप आईएसआईएस की मदद से हिंदुस्तान में पल रहे। जब से मैं एक वफ के दौरे पर नेपाल गया था तो वहां से सटे हुए मदरसों पर मैंने देखा कि वहां कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने फौरन प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, उससे कहा कि अगर कि जल्दी हिंदुस्तानी मदरसों को बंद नहीं किया गया तो 15-20 साल के बाद आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी मुसलमान आईएसआईएस जैसी मानसिकता रखने लगेगा, जिसका मेरा बड़ा विरोध हुआ। कट्टरपंथी संगठनों ने मेरा सिर काटने के फतवे दिए।